पर कमर जमान कायरा साहब ये कहते हैं कि पीडीएम में अब कोई जान नहीं रही है क्योंकि ये बैकडोर रबते कर रहे हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी की कोई भी गुंजाइश बची है? देखिए, कमर जमान कायरा कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाहौर में पीडीएम पर भी तनकीद कर रहे थे और पीडीएम में शामिल जमात के अमलन पर भी तनकीद कर रहे थे। एक तो उनके अलग होने से पीडीएम आज भी बहाल भी है और फाल भी है, सड़कों और रोडों पर भी है। वो 22 करोड़ आवाम के सामने है। पीपल्स पार्टी की जाने से पीडीएम पर की तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ी है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि उधर बिलावल और शहबाज शरीफ, असल सवाल तो यही है कि उधर पार्लियामेंट में एक टेबल पर, एक मेज पर बिलावल और शहबाज शरीफ बैठे हैं इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ, एक मेकेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं हुकूमत को टफ टाइम देने का मुकाबला देने के लिए मुकाबले में उतर आए हैं। और बिलावल ये कहते हैं कि अपोजिशन की जो क़ियादत है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं और हम सब मुत्तहिद हैं उनकी क़ियादत में, लिहाजा उधर वो उनकी क़ियादत को बहसत अपोजिशन लीडर बिलावल तस्लीम करने के लिए तैयार है और तस्लीम कर चुका है। और कमर जमान कायरा उधर लाहौर में बैठ के पीएमएलएन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, पीडीएम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये खुद कायरा साहब जवाब दे सकते हैं कि आपके यहाँ एक पीपल्स पार्टी है या दो पीपल्स पार्टी है। एक पीपल्स पार्टी वो है जो कायरा की जबान बोल रही है, एक पीपल्स पार्टी वो है जो पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल बोल रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, ये बजाते खुद एक पेज और एक सफे पर नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की और किरदार है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने सीनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने के लिए सरकारी बाप पार्टी से वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया, बिल्कुल, और इन्हीं बाप पार्टी से सीनेट चेयरमैन साजिद संजरावी ने भी बना, सही है, और इन्हीं बाप पार्टी और पीपल्स पार्टी मिल के डिप्टी चेयरमैन जो पीडीएम का था गफूर हैदरी उनको भी हरवाया। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। जिस दिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी को ही तय करना होगा कि उसका किरदार एक्चुअली क्या है और पीपल्स पार्टी कौन सी वाली पीपल्स पार्टी है। हाफिज साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि पीडीएम क्या करने जा रही है दिसंबर में? लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, एहतजाज होगा, क्या हिकमत अमली क्या है पीडीएम की आगे? हर साल ये आवाम को कोई रिलीफ ना दे सका, महंगाई आसमान को छू रही है और आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, टैक्स पर टैक्स, आवाम की चीज़ें निकल चुकी हैं, आवाम मर रहे हैं और रुल रहे हैं। और पीडीएम भी इस महंगाई के खिलाफ रोलों पर है। और फैसलाबाद का जलसा आपके सामने, डेरा गाजी खान का जलसा आपके सामने, पेशावर का जलसा आपके सामने, अब भी पीडीएम ने ऐलान किया है कि 13 नवंबर को कराची में मार्च होगा महंगाई के खिलाफ और 17 नवंबर को क्वेटा में मार्च होगा महंगाई के खिलाफ, 20 नवंबर को पेशावर में महंगाई के खिलाफ मार्च होगा और कल 11 नवंबर को फिर पीडीएम की सरबराही इजलास होगा, उसमें आइंदा की हिकमत अमली पर बात होगी जिसमें लाहौर में मार्च भी होगा और फिर लाहौर मार्च के बाद इस मेरे ख्याल में जो तहरीक चलाने है उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, पीडीएम रोडों पर है और आवाम की आवाज बन चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ थे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।